पिछली बगा नहीं मिली, अगर हमको ये ईद तक मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो अगली बगा जब से भी कारोबार चालू करने की बात आएगी तो मजदूर अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा के कारोबार को संपन्न रखेगा, वो हमारी स्ट्राइक रहेगी। ये अपना हारा अगला कदम होना चाहिए। सब इसलिए भी सोचना पड़ेगा, हमारा तो ये कहना है कि भाई मजदूर जब से लॉकडाउन लगा जब से देखे तो अब तक के पूरी पगार मिलना चाहिए, मान वेतन भी मिलना चाहिए, उसका भत्ता भी मिलना चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी भी लगना चाहिए कायदे के मुताबिक। मालेगांव शहर के अंदर मजदूरों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना संडास है, ना बाथरूम है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना मेडिकल का कोई इंतजाम उनके लिए। मजदूर हफ्ते के अंदर कम से कम 2500 रुपए का काम करता, महीने में 10,000 का काम करता, लेकिन एक लूम कारागिर, एक लूम वाला जिसको उसको बोलते हैं अपने कारखानेदार, वो कम से कम महीने के अंदर 30,000 से 40,000 रुपये हफ्ता कमाता है। 30,000 से 40,000 रुपये हफ्ता कमाने के बाद उसकी आमदनी महीने भर में कम से कम 1,00,000 रुपये के लगभग जाती है, लेकिन ऐसे भुखमरी का जब टाइम आता है तो ये सेठ लोग, ये शर्मायादार अपने मजदूर को अपने पैर की जूती समझते हैं, उनका जरा भी कोई समर्थन नहीं करते। जैसे अभी इन्होंने बताया पैसा उन्हीं को देते हो जो जिनके ऊपर 1,00,000 रुपया, जिनके ऊपर 50,000 है, किसके ऊपर 40,000 है, उनको बराबर ले जाके देंगे। जैसे इन्होंने बोले कि जो गरीब आदमी जो कर्जे से डरता वो क्या करेगा। जैसे इन्होंने बताया कि भाई 10,000 स्किल वाला आदमी हो 10,000 कमाता है, जो बेकार है वो 8,000 कमाता है। अगर गाँव मिनिमम वेजेस देखे जाएगा 8 घंटे के हिसाब से तो 16,000-17,000 मिनिमम वेजेस है, और ये लोग ऑलरेडी 10,000 में 12 घंटा काम करते हैं, मतलब मिनिमम के हिसाब से 4 ही घंटे का पगार ये लोग देते हैं और 8 घंटे की चोरी ऑलरेडी करते हैं। अब जब मुसीबत आई कामगारों पे तो जो चोरी के उनमें से भी अगर दे दिए होते, थोड़ा बहुत भी दिए होते तो भी हमारा दब गया होता। जब से लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन लगने के बाद से सबसे ज़्यादा तकलीफों का सामना मजदूरों को करना पड़ा है, चाहे यहाँ के मुकामी मजदूर हो या यूपी बिहार के मजदूर हो। आज हमारे शहर में भी मजदूरों की अक्सरियत मुकामी है और वो सेठों के साथ तालमेल से चलती है और चलती आ रही है, लेकिन आज ऐसे तालमेल के वक्त में भी हमारे सेठों ने मजदूरों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, जिसके लिए मजबूरन जो तालमेल करके चलने वाला मजदूर उसने कंप्लेंट का रास्ता इख्तियार किया, कानून का सहारा लिया बजाय किसी ताकत का इस्तेमाल करने के, लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल करने के, कानून को अपना मुआफ़ी समझा और कानून का सहारा लिया। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि कामगार अधिकारी की तरफ से भी सरकार का आदेश होने के बाद भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई सरमायादारों पर नहीं की गई, जो एकदम इन्हीं मजदूर को इन्हीं अब सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमने किसका दरवाज़ा खटखटाना है। तो हमारा यही बोलना है कि कामगार अधिकारियों ने भी मजदूरों को साथ देना चाहिए, जो कानून है कानून के एतबार से उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि मजदूर किसी भी तरीके का कानून हाथ में ना ले। और अगर 2 दिन में हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है, जो हमने भी अपर जिलाधिकारी साहब के पास रखी, एसपी साहब को भी दिए पहले और कामगार अधिकारियों को भी दिए, तो फिर हम रास्ते पर भी आने से गिरीज नहीं करेंगे, घर में भी ऐसे कुछ है नहीं, हम लोग को जमा कर लेना वहाँ पर, हमको 2 वक्त की रोटी दे देना, हमको वो चल जाएंगे। चले तो मालेगांव थे ना, मालेगांव जो पगार देता, जो पगार ऑलरेडी 10,000 पगार है एका महिन्याचा, जर कधी पगाराची मिनिमम वेजेस जर कायदेशीर पाहिलं तर पगार आहे तुमचं मला 16,000 रुपये, हे 12 घंटेचे 10,000 रुपये देतात स्किलवाल्या वर्करला। आणि आता जर हे पिढ्यान पिढे हे लोक लोकांचं शोषण करताय, कामगारांचं शोषण करताय, जे कारखानदार होते ते बब्बर होत चालले, आणि जे कामगारांची जी हालत आहे ती अतिशय वाईट परिस्थिती आहे। आता लॉकडाऊनच्या काळात ह्या लोकांनी शेकडो वर्षापासून पगार चोरलेला आहे, यांना मी चोर म्हणतो। आज कामगारावर जी वेळ आलेली आहे, लॉकडाऊनमध्ये लोकांना खायला नाही आहे, मालेगावची परिस्थिती 2,500 पगार घेतात, शुक्रवारी पगार घेतात, शनिवारी पगार संपून जातो, शनिवारी पगार संपल्यानंतर परत तो माणूस उचलतो, तो माणूस 2 महिने कसं काय घर सांभाळेल। ज्या पद्धतीने उधार घेणारे, उसनवार देणारे, ज्यांनी इमदाद वाटली, ज्यांनी मदत वाटली, ते लोक संपून गेलेले आहे। कारखानदारांना माझी विनंती आहे की त्या कारखानदारांनी पगार द्यावा, जर पगार देत नसतील तर आम्ही रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, ही आमची प्रमुख मागणी।
हाँ, अभी जो मजदूरों को है ना, इतनी खतरनाक परेशानी आ गई कि 2-2.5 महीने से जो भी कारोबार बंद है, आज मजदूर इतना परेशान है कि 1 रुपया नहीं आ रहा है। ना कोई मालक पगार दे रहा, 10% मालक पगार दे रहा। कई ऐसे मजदूर है, वार्डों में हम घूमते हैं, वार्ड में इतनी परेशानी है। कई मजदूर बताते हैं कि यार भाई 1 रुपया नहीं है, घर कैसे चलाएंगे हम। और राशन दुकानों पे जो भी गऊ चावल मिल रहा है, सिर्फ गऊ चावल खाएंगे क्या आदमी? मालक लोग पगार नहीं दे रहे, हाँ दवा खाना है, बीमारी है। मालक लोग को बोल रहे तो मालक कोई हाल में मान नहीं रहा, कोई दे ही नहीं रहा मालक पगार। तो अगर बताओ 2-2.5 महीना अगर मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला तो घर चलेगा कैसे? तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है मालकों से कि मेहरबानी करो, 2 दिन के अंदर अंदर मजदूरों को पगार दो और बोनस दो। क्या नाम है आपका? वाजिद कॉमरेड। पगार नहीं दे रहे हैं सेठ लोग, ये तो हमारे हक का पैसा है, लेकिन इसकी वजह से आप लोगों को एक आदमी की पगार नहीं देने की वजह से उसके काम करने वाले कम से कम 10-15 लोगों के घर के अंदर चूल्हा बुझा हुआ है। आज 2 महीने, आज 21 तारीख है, पिछले 22 मार्च 2 महीने हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जकात, खैरात, अतियात या मस्जिद के पौधे, सिर्फ इसी पर अल्लाह ताला ने सवाब नहीं रखा है। आप अगर अपने मजदूर को ये सोच कर देते हो कि साल भर ये मेरे हिस्से की मेहनत भी खुद करता है और अपना घर चलाता है, मुझे भी कमा कर देता है। वो कहते हैं ना कि बच्चों के, मजदूर के बच्चे, जब मजदूर के खून पसीने से सेठ के घर का चिराग जलता है, और 2 वक्त की रोटी के लिए जब तरसते हैं मजदूर के बच्चे, जब इनके घर में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो आज इनका हक है। अगर आप इनको ये सोच कर भी देते हो कि ये 2500 बिना काम करे भी अगर मेरे घर से लेकर, मेरे पास से लेकर जाएगा, इसका अपने बच्चों का को खिलाएगा, तो ये पुण्य का काम है। तो आपसे हमसे ये विनती है कि उनके हक का पैसा आप उनको दे दो, नहीं तो ईद के बाद तो तहरीक फिर बहरहाल चलना ही चलना है, और कानून भी अपना काम करेगा ही करेगा।